दरवाजे पे, हमारे दरवाजे क्यों आए, आज निकल जाइए यहाँ से, यहाँ से निकल जाइए तुरंत, हमारे दरवाजे तुरंत निकलिए, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब मेरे अभय सिंह को मारे खड़ा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ से कोई लोग भाग जाए, भाग जाए, हमारे दरवाजे से भाग जाए, तुरंत भाग जाए। पहले तो नहीं आए, आज वो मर गए तो दिखाने आए हैं, भाग जाओ यहाँ से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में बीडीसी सदस्य अवधेश सिंह हत्याकांड में पुलिस की जमकर फजीहत हुई। बीडीसी सदस्य की हत्या से नाराज परिजनों ने हत्या का ठीकरा पुलिस पर फोड़ दिया। आरोप लगा है कि दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन पुलिस नहीं आई। हत्या होने के बाद अब पुलिस मुंह दिखाने आई है। थाना मसीहतपुर, जिला सुल्तानपुर। हमारे छोटे भाई थे, यहाँ से घर से हमारा लड़का और जो है अवधेश सिंह निकले, वो जा रहे थे दीवानी, दीवानी से तारीख वहाँ से किए और आ रहे थे 2:30 बजे। ये लोग जो है यहाँ डोकला बाबा के पास, ये लोग जो है लाठी डंडा और राड लेके बैठे थे, उनको मारना चालू कर दिया। मेरा लड़का था फौजी, जिसका नाम सानू अभिषेक सिंह उर्फ सानू सिंह। इसमें बिपिन थे और रीशू थे और लक्की थे, अमन थे और एक लड़का उनका और था, उसका क्या नाम है, प्रिंस सिंह, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह आज पकड़ के मौके पे थाने में बैठाए गए हैं, रात में पुलिस उनको उठा लिया। मैंने यही हमको बताया अभी, और थाना जा रहे हैं। नहीं, शिकायत हमें एसपी के यहाँ हमारा भाई दिया था, सीओ साहब के यहाँ दिया था, और जब मेरा बेटा वहाँ से आता है ड्यूटी से, तो वो जा करके एसपी के यहाँ दरखास्त दे के वहाँ से वापस आया, और यहाँ एसओ साहब भी एक बार आए थे, जिसमें से भास्कर रोस्कर और विनोद सिंह हमारे यहाँ करीब शुभम सौरभ थे यहाँ। दरअसल हत्या की वारदात है सुल्तानपुर जनपद के मोतीगढ़ थाना इलाके की, जहां बीडीसी सदस्य अवधेश सिंह की हत्या से बवाल मचा है। परिवार वालों का कहना है कि 19 सितंबर को मृतक घर से सुल्तानपुर जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में विरोधी गुट के पत्तीदारों ने घेराबंदी कर हमला बोल दिया। हमले में बीडीसी अवधेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सुल्तानपुर से लखनऊ रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत से सुल्तानपुर में बवाल मच गया है। फिलहाल बीडीसी सदस्य की हत्या में पुलिस पर गंभीर आरोप लग गए हैं। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की, अगर कार्रवाई की होती तो शायद हत्या ना होती।